वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को 10 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए। अस्पताल से एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटा है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 21,958 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,533 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 48 है। प्रयागराज से वाराणसी आ रही प्राइवेट पैसेंजर बस अचानक खराब होने से लहतारा ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर लटक गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री बैठे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके से किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। घटना स्थल पर पहुंची मंडवाड़ी थाने की पुलिस ने बस को क्रेन से हटवाया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई सहित 3 अन्य लोगों को वाराणसी के भेलूपुर थाने में आईटी एक्ट सहित अन्य आरोपों में अदालत के आदेश से दर्ज मुकदमे में पुलिस ने राहत दे दी है। पुलिस के अनुसार विवेचना में चारों के खिलाफ कोई पुष्टिकारक साक्ष्य न मिलने पर उनकी नामजदगी गलत पाई गई है। इसके अलावा अन्य 14 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना प्रचलित रहेगी। एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि विवेचना में गूगल के सीईओ और गूगल इंडिया से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उनके खिलाफ पुलिस अब जांच नहीं करेगी। थाना भेलूपुर में दर्ज क्राइम नंबर 69/21 जिसमें 18 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया, इसमें विवेचना के दौरान सीरियल नंबर 15 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीरियल नंबर 16 संजय कुमार गुप्ता प्रबंधक गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीरियल नंबर 17 सुंदर पिचाई सीईओ गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर छत्ता द्वार के बाहर शुक्रवार की सुबह मंगला आरती के बाद राम नाम का जाप शुरू हुआ तो लोग उत्सुकता से उस ओर बढ़ चले। 20 की संख्या में सड़क पर बैठकर राम नाम का जाप कर रही महिलाओं के साथ लोगों के बैठने का सिलसिला शुरू हुआ। राम नाम का जाप कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो पिछले 20 सालों से दैनिक बाबा विश्वनाथ की दर्शनार्थी हैं, पर पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ अंदर ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और अभद्रता की जा रही है। पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आने के बाद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों द्वारा किए गए बवाल और पथराव में दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर जमकर आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी और एसपी द्वारा बक्सा थाना अंतर्गत ग्राम चक मिर्जापुर का दौरा किया गया और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। दिनांक 1 फरवरी 2021 को श्री मोहनलाल यादव जी की तहरीर पर कि उनके साथ शिव गुलामगंज थाना बक्सा के अंतर्गत उनके रुपयों के भरे बैग की छिनैती हुई है के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 33/2021। इस संबंध में कल दिनांक 11 फरवरी 2021 को रात्रि के समय थाना बक्सा की टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी है। उक्त अभियुक्त ने घटना में अपना होना कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में से जो भी पैसा छीना गया था उसमें से लगभग 64,000 रुपये बरामद किए गए। इसके अलावा अलग अलग समय पर उक्त अभियुक्त द्वारा कुछ मोबाइलों की छिनैती की गई थी। कुल मिलाकर के लगभग 13 मोबाइल उसके घर से बरामद हुए। उक्त अभियुक्त को अरेस्ट करके थाना लाया गया। रात्रि के समय उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके पेट में दर्द हो रही है। ये खबर पाते ही तत्काल उसको वहाँ से लोकल बक्सा CHC लेकर के जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको प्राइमरी फर्स्ट एड दे करके जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है।
बीएचयू स्थित शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में शुक्रवार को सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा वैश्विक संदर्भ में व्यक्ति निर्माण तथा भारतीय चिंतन विषय पर एक दिवसीय विमर्श का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी शामिल हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि तीन तलाक, धारा 370, भ्रष्टाचार जैसे चुनौतियों को मोदी सरकार ने झटके में समाप्त कर दिया। लंबे समय से प्रतीक्षारत अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहस से काम लिया। हमारी सरकार 150 देशों को कोविड वैक्सीन देने का कार्य कर रही है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट भारत के नाम से है और इस कार्यक्रम का विषय है वैश्विक संदर्भ में व्यक्ति निर्माण तथा भारतीय चिंतन। मतलब जो यूथ है, जो हमारा युवा है, वह अपने मूल कर्तव्यों के साथ साथ, अपने मूल कार्यों के साथ साथ, इस देश को विकासशील बनाने में उसकी क्या भूमिका है, इन सभी विषयों को लेके हम इस विषय पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के देशव्यापी आह्वान पर बीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में बीएलडब्ल्यू कर्मी सुबह 10 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में प्रशासन भवन के सामने धरने पर बैठ गए। धरने में कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में लगातार नारेबाजी करते रहे। साथ ही रेलवे में कोर्स कम्प्लीट कर चुके अप्रेंटिस को भारतीय रेलवे में अविलंब समायोजित करने की मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। गुरुवार को लालपुर पांडेपुर थाने के एक सिपाही द्वारा पैसा लेने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद भुक्तभोगी ने लालपुर पांडेपुर थाने पर इस संबंध में सिपाही के विरुद्ध तहरीर भी दी थी और यह वीडियो भी उपलब्ध कराया था। इस आधार पर उक्त सिपाही पर एंटी करप्शन की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जिला प्रशासन के निर्देश पर छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के विरोध में छात्रों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। छात्रों ने तोड़फोड़ करते हुए प्रशासनिक कार्यालय व पुस्तक मेला को भी बंद करा दिया। आक्रोशित छात्रों ने शताब्दी महोत्सव के तहत खेल मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता भी बाधित करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने किसी तरह छात्रों को समझा बुझा कर वहाँ से हटाया। उनके तानाशाही रवैया ये है कि हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। पहले हम लोग की जब धरना में चल रहा था, आप देखे होंगे तत्काल हम लोग करीबन चार दिन धरना चला, तो उस टाइम यहाँ पर दबाव में चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया गया। तो चुनाव अधिकारी के पास हम जैसा घोषित हुए हैं तो हम लोग से बताया गया कि चुनाव आपका कराया जाएगा। हम लोग को लिखित रूप से दिया गया कि चुनाव का होगा। बट जब हम लोग बैठक बैठे तो हमने पूछा गया कि हमको जिला प्रशासन द्वारा कोई रोक जोक तो नहीं होगी, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी रोक जोक नहीं होगा और कुछ भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। बट जब हम लोग आज जो बैठक हुई, हमसे बोला गया था कि 10 से 16 के बीच में आप लोग का नामांकन का डेट और चुनाव अधिकारी का डेट, चुनाव का डेट आ जाएगा। बट जब हम लोग आज बैठक में गए तो वहाँ पे जो एसओ साहब थे और जो सीओ साहब थे और जिला प्रशासन जो हम लोग चुनाव अधिकारी साहब थे, चीफ ऑफिसर साहब थे, इन लोग के रहते हुए वहाँ बोला गया, हम लोग मिसाइल किया गया कि जिला प्रशासन के पास पुलिस फोर्स नहीं है कि आपको चुनाव अधिकारी कराया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश से ऑनलाइन जुड़े ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी योजना के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान वाराणसी के रविशंकर भी मुख्यमंत्री से बातचीत करने वालों में शामिल रहे। सीएम ने वाराणसी के रविशंकर से घरौनी योजना के फायदों के बारे में विस्तार से बात की। इस अवसर पर वाराणसी के 33 राजस्व ग्राम के 1404 लोगों को स्वामित्व योजना अंतर्गत उनकी जमीन का मालिकाना हक स्वरूप घरौनी प्रपत्र उन्हें उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में कमिश्नर दीपक अग्रवाल एवं जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा मौजूद रहे।